हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुंदरी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, वही आप लोग का साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ताज़े ताज़े कुंदरी है। इसे मैं अच्छे से धो के साफ़ कर लूँगी। उसका बाद देखिए, इस तरीके से मैंने काट दिया है छोटे छोटे करके। अब इसे बनाऊँगी। इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाली हूँ, चुटकी भर हींग और 1 बड़े प्याज और 4-5 हरा मिर्चा। इसे मैं पहले अच्छे से भून लूँगी लाल होने तक। अच्छे से लाल होने तक भूनूँगी। देखिए, ये अच्छे से सुनहरा हो चुका है। अब इसमें मैं कुंदरी डालूँगी, इसे भी मैं अच्छे से मिलाऊँगी। अभी ऑयल में मैं अच्छे से मिला लेती हूँ कुंदरी को। ये देखने में अभी इतना ज़्यादा लग रहा है, बाद में गल के थोड़ी हो जाएगी। देखिए, 1 चम्मच नमक, थोड़ी हल्दी और 1 चम्मच जीरा पाउडर है। इसे भी मैं अब इसमें अच्छे से मिला लूँगी। ये बहुत ही टेस्टी होता है खाने में, मुझे तो बहुत पसंद है। और किस किस को पसंद है कुंदरी की सब्ज़ी, बताइएगा कमेंट्स करके। और अब थोड़ी मैंने इसमें काली मिर्च डाली हूँ, 1/2 चम्मच। अब इसे मैं अच्छे से मिला लूँगी। और ये अच्छा है खाने के लिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। हरा भरा सब्ज़ी अच्छा है हेल्थ के लिए। अब इसे मैं ढक के पकाऊंगी 5-6 मिनट। देखिए, 5-6 मिनट हो चुका है। देखिए, कुंदरी गल के कितना कम हो चुका है। इस तरीके का सिंपल तरीक़े से बनाने से भी बहुत ही स्वाद होता है ये खाने में। कम मसाला में बना के खाने में भी बहुत ही स्वाद होता है। मैं तो इसे इसी तरीके से बना के खाती हूँ कभी कभी। देखिए कितना अच्छे से गल चुका है ये। अब मैं इसे बिना ढके ही बनाऊंगी इसी तरीके से। 5-6 मिनट और इसे मैं इसी तरीके से खुलने में पकाऊंगी। अच्छे से बहुत गल चुका है, थोड़ा हो चुका है। और स्वाद तो इसका लाजवाब ही होता है ये कुंदरी का सब्ज़ी, मुझे तो बहुत ही पसंद लगता है। ये बन के रेडी है। देखिए, आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और फिर नए वीडियो के साथ आऊँगी। बाय बाय, टेक केयर।